गणपति बप्पा की सेवा में इच्छिता गांगुली भी लीन है। पूरे हर्ष और उल्लास के साथ पेशवा बाजीराव की बाजी ने इस बार किया है बप्पा का भव्य स्वागत। लेकिन खास बात यह है कि बिजी शेड्यूल से टाइम निकालकर इच्छिता ने किया है वेलकम। गणपति का उत्सव पूरे टीवी टाउन में इस तरह छाया हुआ है कि सारे सेलिब्स डूबे हुए हैं गणपति की सेवा करने में। जहां देखो वहां गणपति की धूम है, घर घर आ रहे हैं गणेश और इसी को लेकर हर जगह खुशी का माहौल है। पेशवा बाजीराव की बाजी यानी इशिता गांगुली ने भी इस साल पूरे हर्षोल्लास के साथ किया है बप्पा का वेलकम। अब देखिए ना इशिता ने किस तरह से बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल कर किए हैं बप्पा के लिए ढेरों इंतजाम। घर की सजावट से लेकर बप्पा की मूर्ति तक सबको इशिता ने सजाया है बेहतरीन तरीके से। अब आप खुद ही देख लीजिए कि बप्पा की श्रद्धा में लीन इशिता ने बप्पा की पूजा अर्चना भी की और उनसे आशीर्वाद भी लिया। अब आप ही बता दीजिए इशिता की फर्स्ट टाइम आप गणपति बप्पा का स्वागत कर रही हैं तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही अच्छा लग रहा है। वैसे तो हर साल होता है, हम लोग वैसे छोटा ही पूजा रखते हैं, इस बार भी वैसा रखा है, पर हमारे घर में मूर्ति पूजा कभी नहीं होती है, तो हमारे मतलब पुरखों का एक गणपति है तो हम वही पूजा करते हैं। अच्छा इशिता, अब आप ये भी बता दीजिए कि आपने कैसे सेलेक्ट की बप्पा की मूर्ति? एक्चुअली मैं गई थी वहाँ पे तो सब बहुत बड़े बड़े थे, यू नो, बहुत सारे ज्वेलरी वगैरह, मुझे ना वैसा नहीं पसंद है, मुझे बहुत सिंपल सा कुछ चाहिए था और मैं एज अ पर्सन मुझे बहुत सिंपल कैजुअल चीजें बहुत ज्यादा पसंद है, तो ये बहुत ही सिंपल सा था और मुझे बहुत मतलब देखते ही होता है ना कि अट्रैक्ट हो गई, तो मैं यही लेके आती हूँ घर पे। वैसे इशिता, आज आपकी पूजा में बंगाली टच भी नजर आ रहा है, क्या कहना चाहती हैं आप इस बारे में? एक्चुअली थोड़ा सा हम बंगाली टच है ही, क्योंकि हमारे हर पूजा में शंख बजते हैं, फिर हम लोग उलू जो होते हैं वो भी करते, वो हम लोग कर चुके हैं तब आरती जब हो रहा था, और ये पूजा जो है मेरे भाई ने किया है पूरी शिद्दत से, मतलब सुबह सुबह लैपटॉप लेके दीदी मैं ही पूजा करूंगा, तो उसने पूरा यूट्यूब से ना पूरा जो गणेश चतुर्थी की कैसे पूजा की जो विधियां है वो उसने निकाल के सब कुछ किया है। यानी इशिता नेक्स्ट ईयर भी गणपति लाने वाली है, तो इशिता जल्दी से अब आप बप्पा से एक विश भी मांग लीजिए। हर साल गणपति बस आए और मेरी फैमिली, हम मेरे फैमिली मेंबर्स जो वो खुश रहे और मैं उन्हें खुश कर पाऊँ, और यही कामना है कि मैं अच्छे अच्छे और काम कर पाऊँ, और बस यही है। इशिता तो बेहद एक्साइटेड दिखी और इनका एक्साइटमेंट दिखना लाजमी भी है, भाई पहली बार बप्पा की मूर्ति घर जो लाई है। वैसे जाते जाते इशिता ने गणपति बप्पा के जयकारे भी लगाए, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। वेल इशिता, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि आपकी विशेष बप्पा जरूर पूरी करें और आप बप्पा की सेवा में ऐसे ही लगी रहें। नवीन सिंह भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट E24।